अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें बड़ी फ्रेश है सुबह और बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये देखें कबूतर जो है वो अपना मज़ा ले रहे हैं। एक बंदा अभी दाना डाल के गया है इनको। और ये जनाब हमारा शहर है, वो सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये अदालत है, पीछे इसके होटल है और इस राइट हैंड साइड पे जो शॉपिंग सेंटर्स है वो हैं। ये सामने जो बिल्डिंग बड़ी है ये जी काउंसिल की बिल्डिंग है, जहाँ पे सारे लोकल सतह पे जैसे यूनियन काउंसिल होती है हमारी, उस तरह के फैसले होते हैं यहाँ पे। ये मेरी पिछली साइड पे एक ये थिएटर है एक, और वो पीछे जो नज़र आ रहे हैं आपको मीनार से नज़र आ रहे हैं वो है जी चर्च है एक, जहाँ पे यार घंटे बाद जो है वो घंटियाँ बजती हैं। ये जी मार्केट हॉल है, यहाँ पे अभी अंदर काम हो रहा है, देखें साहब इसको बंद किया हुआ है ने, रिफर्बिशमेंट कर रहे थे इस, ये जब कोरोना का क्राइसिस शुरू हुआ इससे पहले यहाँ पे काम हो रहा था लेकिन अभी रुका हुआ है। यहाँ पे अंदर आपको फ्रेश सब्जियाँ वगैरह जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना खोखे लगे हुए हैं, ये खोखे इसके अंदर लगे हुए हैं सब इस हाल के अंदर। जिस बंदे ने अपना खोखा लगाना हो वहाँ पे अपनी काउंसिल से परमिशन लेता है और खोखा जो है वो लगा लेता है यहाँ पे, यानी कि बाहर सड़कों पे खोखे नहीं लगे हुए अंदर लगे हुए हैं। काश हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए। ये सामने जो कैबिन बना हुआ है ये आपको बता दूँ कि ये जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं अंदर उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह ब्रेक करते हैं जब, तो उनके लिए चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं कि ब्रेक जो है वो करें तो कैसा कहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाएं, वो स्पेशल जगह बनी हुई है। ये जो ऊपर ग्रे कलर का जो कैबिन है इसमें, तो चलें मैं काम पे हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ अभी वेटिंग। और आप वीडियो देखें और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो जो मैं लाता रहूँगा आपके लिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। जहाँ पे भी जाएंगे घूमने फिरने के लिए या जगह आपको अच्छी लगी तो आपको दिखाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। जो कबूतर लोग पसंद हैं जिनको, वो देखें कितने कबूतर घूम रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो कबूतरों को पकड़ते नहीं हैं, दाना डाल के चले जाते हैं, इसीलिए मैं पास खड़ा हूँ, कबूतर जो है वो हिलजुल नहीं रहे, अपने काम में मसरूफ़ है, उन्हें पता है बंदा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हमारे यहाँ तो कड़ुकी लगा के कबूतर पहले पकड़ के ले जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।